Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. As we all know, we are progressing towards the business end of this academic year. Only 3 months are left in our annual exams. अब किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि कैसे इन 3 महीनों का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि इस टाइम को बिना किसी स्ट्रेस के अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. बिगेस्ट मिस्टेक students make during exams is they fail to plan how to use this time appropriately. To achieve desired result, we need to follow a planned approach. A planned approach generally two categories mein baanti ja sakti hai, general approach and subject specific approach. General approach se hamara matlab hai ki in general hum kaun kaun si cheeze kar sakte hain, aur subject specific approach matlab ki पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. इन जनरल एनसीईआरटी एंड द अदर रेफरेंस बुक्स आर द रिसोर्सेज विच आर मोस्टली यूज्ड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. लेकिन आजकल के एडवांस्ड टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादातर नोट्स और वीडियो लेक्चर्स का इस्तेमाल भी करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए. इन सारे रिसोर्सेज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी रखती है. तो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त एनसीईआरटी को किसी भी हाल में ना छोड़े. एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं हमें उन सबको थरली करना है. फॉर एग्जाम्पल साइंस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें थरली रिवाइज करना है. मैथ्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उन्हें अच्छे से करना है. एंड वी नीड टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी. अब इससे होगा क्या कि काफी सारे सवाल हमसे हो जाएंगे लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिनमें हमें डाउट्स आएंगे. वी नीड टू मार्क दीज थिंग्स. जो चीजें हमसे हो जाती हैं विल मार्क देम विद अ टिक, एंड जो चीजों में हमें थोड़ी सी भी तकलीफ आती है या हमसे नहीं हो पाती हैं विल मार्क देम अ क्रॉस, ताकि वापस जब भी हम रिवाइज करें तो हम इन क्रॉस वाली चीजों पर खासा ध्यान दें. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू हैव फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर एग्जाम्स. Planned approach जिससे कि हम अपना best results पा सकते हैं. Very first thing that every student needs to do is have a vision board. Every student dreams of getting success and getting desired results. हर एक student dream करता है अपने success को लेके. But as we all know, a goal without a plan is just a dream. So in order to reach our goal, which in this case is to get desired result, we need to have a plan in front of us in form of a vision board. A vision board is basically the visualization of all our dreams. फिर चाहे वो हमारे studies से related हों, sports से related हों या personal life से related हों, उन सबको हमारे सामने एक visual form में present करने का तरीका होता है. Vision board बनाने का फायदा ये है कि हमें हमारा target constantly हमारी आंखों के सामने दिखाई देता रहता है, which keeps us focused and motivated. What to have on a vision board? हमें हमारे विजन बोर्ड के ऊपर 3 चीजें रखनी हैं, चेकलिस्ट, टाइम टेबल एंड सिलेबस. चलिए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं. नंबर 1, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट. बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट मेक्स इन एग्जाम प्रिपरेशन इज दैट वी डोंट हैव एनी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ आर प्रिपरेशन. हमारे पास हमने कौन से सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशन कर ली है इसका कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत टाइम बाद रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने उस पर्टिकुलर मैथ्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, आपने साइंस के उस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर आपने उन टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं या नहीं किए. अब ये सारी चीज़ों का कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास ना होने के कारण आप इन सारी चीज़ों को इधर उधर ढूंढोगे, जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? प्रिपेयर अ चेकलिस्ट. अपने पास में आपने कितनी तैयारी कर ली है और आपकी कितनी तैयारी पेंडिंग है उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए. नाउ व्हाट इज अ चेकलिस्ट? चेकलिस्ट बेसिकली एक लिस्ट होगी जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स और आपको उनके अंदर कौन कौन सी चीजें करनी है वो लिखी हुई होंगी. वंस यू आर डन विद द पर्टिकुलर थिंग आप उसके अंदर उस चीज को मार्क कर सकते हो, जिससे आपके पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा आपकी प्रिपरेशन का.
आपको टॉप इफ यू हैव डन दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू मार्क इट विद अ टिक एंड इफ दैट टॉपिक इज नॉट डन देन यू विल सिंपली मार्क इट विद अ क्रॉस. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ चेकलिस्ट. इसके अंदर हमारे साइंस के सारे चैप्टर्स दे दिए गए हैं और चेकलिस्ट के अलग अलग सेगमेंट्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आपने नोट्स तैयार किए हैं तो आप नोट्स के कॉलम पे टिक कर देंगे. आपने इन टेक्स्ट एक्सरसाइज की है तो आप वहां टिक कर देंगे. आपने बैक एक्सरसाइजेस किए हैं, एनसीईआरटी रीडिंग की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, सैंपल पेपर्स किए हैं. जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करते रहेंगे आप इसमें टिक मार्क करते रहेंगे. जब ये सारे कॉलम्स टिक हो जाएंगे तब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं एंड यू कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. इससे आपकी प्रेपरेशन कौन से चैप्टर की कितनी हो चुकी है ये पूरा आपकी आंखों के सामने होगा. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इज वी कैन हैव द क्लियर आइडिया ऑफ आवर सिलेबस कि कितना कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और कितना अभी भी कंप्लीट करना बाकी है. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव ऑन आवर विजन बोर्ड इज आवर टाइम टेबल. टाइम टेबल हमारे एग्जाम्स की प्लानिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है. एग्जाम्स के समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे टाइम को मैनेज करना होता है जिसके लिए एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है. नाउ बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक वाइल मेकिंग टाइम टेबल इज हम टाइम टेबल को डेली बेसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं जबकि वी नीड टू प्रिपेयर टाइम टेबल वीकली. हमें अपने लिए वीकली टारगेट सेट करने चाहिए. अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हम उन्हें पर्टिकुलर वीक्स के अंदर पूरा कर सकें. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव ऑन अ विजन बोर्ड इज सिलेबस. सिलेबस के अंदर हमें हमारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे स्टडीज को प्लान करना चाहिए. ब्लूप्रिंट यानी कि मार्किंग स्कीम. हमारे सिलेबस के अंदर किस चैप्टर के अंदर से ज्यादा मार्क्स का वेटेज आएगा एंड किस चैप्टर के अंदर से कम मार्क्स का वेटेज आएगा हमें उस अकॉर्डिंग अपने स्टडीज को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. हमें उन टॉपिक्स को सबसे पहले करने की कोशिश करनी चाहिए जो ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स विच कवर लेस वेटेज इन एग्जाम्स. वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन क्लासीफाई आर टॉपिक्स इन द थ्री कैटेगरीज ऑफ इजी, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट. जहां हमें सबसे पहले फोकस करना है वेरी डिफिकल्ट के ऊपर, आफ्टर दैट द डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट द इजी टॉपिक्स. क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर हम पढ़ने जाएं तो हम इजी टॉपिक्स को कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी पूरा कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू वेरी डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स. नेक्स्ट थिंग इज SWOT एनालिसिस. अब SWOT एनालिसिस क्या होता है? SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. यानी कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए. एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन आर क्लासेस. Some of them have practical aspects and some of them have theoretical aspects. कुछ students की strength उनके practical aspect हो सकते हैं यानी कि वो maths में, physics में, इन सारे topics के अंदर अच्छे हो सकते हैं. कुछ students का theoretical aspect बहुत ज़्यादा strong हो सकता है यानी कि वो theoretical चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के लिख सकते हैं. तो ऐसे students को social studies, science जैसे subjects के अंदर मदद मिलती है. And कुछ students का languages बहुत strong होते हैं तो उन्हें English और Hindi के अंदर मदद मिलती है. Now, these strengths and weaknesses vary from one student to another. किसी student की strength किसी दूसरे student के लिए weakness भी हो सकती है. What the student needs to do is focus on their strengths and try to counter their weaknesses. उनकी strength बनी रहे इस चीज पे focus करना चाहिए और उनके weaknesses को counter करने की कोशिश करनी चाहिए. Now, how can we do that? Once we are done with our NCERT preparations, हमें इन topics की जिनमें हम ज़्यादा weak हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा practice करनी चाहिए. CBSE की तरफ से ऐसी बहुत सारी chapter-wise worksheet provide कराई गई हैं for our theoretical subjects as well as practical subjects and languages. तो हम अपनी weaknesses को by practicing them counter कर सकते हैं. If we talk about opportunities, जैसे कि इस साल due to COVID-19 pandemic जिसकी वजह से स्कूल्स काफी टाइम तक ना खुल पाने की वजह से हमारा काफी सारा कोर्स रिड्यूस कर दिया गया है जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू स्कोर वेल. वहीं अगर हम बात करें तो हमारे लिए काफी सारे थ्रेट्स भी हो सकते हैं. तो CBSE की तरफ से एग्जाम पैटर्न के अंदर होने वाले चेंजेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी साबित हो सकते हैं. तो हमें हमारी प्रिपरेशन
इन सारी चीजों का SWOT एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज करते हुए करनी चाहिए। एग्जाम्स टाइम में वी नीड टू फोकस लेस ऑन रीडिंग बट मोर ऑन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज सॉल्विंग एज मच एज सैंपल पेपर्स एज वी कैन, बिकॉज हम जितनी ज्यादा सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा यूज टू हो जाएंगे विद इन द गिवन टाइम लिमिट अपने आंसर्स को पूरा करें। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज सैंपल पेपर्स वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस एज वेल। एनालिसिस के अंदर हमें ये देखना है कि हमने कौन कौन से सवाल गलत किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इफ वी हैव डन रॉन्ग क्वेश्चंस देन वी नीड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर इट। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो हमें उस तरीके के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज करना चाहिए। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में पता नहीं था तो हमें उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना चाहिए। इफ वी हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन तो हमें उसके भी रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए एंड वी नीड टू हैव एन एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टाइम की कमी की वजह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए देन वी नीड टू वर्क ऑन आर स्पीड। अगर हमें कन्फ्यूजन हो गया देन वी नीड टू रीड एंड प्रैक्टिस मोर। अगर हमें जवाब नहीं पता था तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करना चाहिए। इन दिस वे हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स की तरफ पहुंच सकते हैं। होप दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।